नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लैश। दोस्तों, आज शाम 6:30 बजे से दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच पहला T20 मुकाबला खेला जाना है। अभी हाल ही में पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए दो टेस्ट मैचों की सीरीज में पाकिस्तान ने बेहद ही ज़्यादा शानदार दबदबा बनाते हुए दक्षिण अफ्रीका को दोनों ही मुकाबलों में शिकस्त दी। मुकाबले में पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेटों से शिकस्त दी। वहीं दूसरे मुकाबले में एक बार फिर से 95 रनों से दक्षिण अफ्रीका को पाकिस्तान ने हराने में सफलता पाई। ऐसे में साउथ अफ्रीका हर हाल में इस T20 मुकाबले को जीतना चाहेगा। बता दूं कि साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज होने वाली है, जिसका पहला मुकाबला आज 6:30 बजे शाम से खेला जाना है। दूसरा T20 13 और चौथा T20 14 फरवरी को लगातार 2 दिनों में होगा। पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज में जिस तरह का दबदबा दिखाया है, साउथ अफ्रीका के लिए निश्चित ही यह एक चिंता का विषय हो सकती है। साउथ अफ्रीका के लिए ये जो सीरीज है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। यहाँ भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं दबदबा बनाता हुआ नज़र आ सकता है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के पास भी बेहद ही ज़्यादा शानदार खिलाड़ी मौजूद हैं और ऐसे में पाकिस्तान के लिए भी ये T20 श्रृंखला बहुत ही ज़्यादा मुश्किल साबित हो सकती है। दोनों ही टीमों की अगर दोस्तों बात करें तो दोनों ही टीमें बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं, बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं और इस मुकाबले के टक्कर की होने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएँ हैं। दोस्तों, निश्चित ये मुकाबला बहुत ही ज़्यादा कांटेदार हो सकता है। अगर बात करें दोनों ही टीमों के प्लेइंग 11 की दोस्तों, तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार हो सकती है। वहीं अगर बात करें दक्षिण अफ्रीका के प्लेइंग 11 की कि आखिरकार किस प्लेइंग 11 के साथ आज पाकिस्तान के खिलाफ T20 मुकाबले को खेलने को उतर सकती है दक्षिण अफ्रीका की टीम, तो उनकी टीम कुछ इस प्रकार दिख सकती है आपको। दोस्तों, संभावित प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से रह सकती हैं। दोस्तों, वहीं अगर बात करें की प्लेयर्स की, तो हेनरी क्लासिन दक्षिण अफ्रीका के लिए की प्लेयर साबित हो सकते हैं। वहीं पाकिस्तान के लिए बाबर आजम दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण खिलाड़ी साबित हो सकते हैं और ये इन दोनों ही खिलाड़ियों में दमखम इतना ज़्यादा है कि ये अकेले ही दम पर किसी भी टीम को किसी भी मुश्किल परिस्थिति में हरा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं अपने टीमों के लिए। वहीं पाकिस्तान की तरफ से दोस्तों बाबर आजम जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो ऐसे में दोनों ही प्लेयर्स, चाहे बाबर आजम हो या फिर हेनरी क्लासिंगन हो, दोनों ही जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में डाल सकती है विपक्षी टीम को। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, साथ ही आप अगर हमारे चैनल के वीडियोज़ को सबसे पहले देखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी सेफ, लव यू ऑल।